हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हम मेरे फिटनेस सेक्शन में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो न्यूज दे देना चाहता हूँ हमारे चैनल के बारे में। पहला तो हमारी चैनल को 12,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए कुछ ही दिनों पहले। फेसबुक पे तो 1,60,000 है और इंस्टाग्राम पे अराउंड 32,000 है। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे सोशल मीडिया पे भी ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हमारी दूसरी न्यूज पहली न्यूज से कनेक्टेड है। हमारे यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी टैब यूट्यूब ने एक्टिवेट कर दिया है। सारी चैनल्स का एक्टिवेट नहीं होता, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अब आप हमारे कम्युनिटी टैब पे जाके पॉल्स, फोटोज सब पे इंटरैक्ट कर सकते हो, लाइक कमेंट अपने व्यूज छोड़ सकते हो। सो कमिंग बैक टू आवर टुडेस टॉपिक, आज के टॉपिक में मैं आपको दिखाऊंगा दही के बेनिफिट्स, किसको कंज्यूम करना चाहिए, कितने क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स और बहुत कुछ। और वीडियो के एंड में हम आपको चैनल रिलेटेड एक नई न्यूज अनाउंस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, दही दूध से बनता है। सो जो दूध के बेनिफिट्स है वही ज्यादातर बेनिफिट्स हमें दही में भी देखने मिलते हैं। हमारे वीडियो में हमने आपको दिखाया है कि दूध से प्रोटीन पाउडर्स बनते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दही में भी प्रोटीन होता है। कितना प्रोटीन होता है? दही में 80% केसिन प्रोटीन होता है और 20% वे प्रोटीन होता है। और केसिन इज अ स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन, हम सबको पता है, वो स्लोली हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। और केसिन का और एक एडवांटेज है, वो हमारे बॉडी को मिनरल्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। अभी दही में होता है कैल्शियम। सो दही के डबल बेनिफिट्स हो गए, हमें प्रोटीन भी मिलता है और केसिन जो है दही में वो हमें कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में भी हमारी बॉडी को मदद करता है। दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं क्विकली बता दूं। प्रोबायोटिक्स हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट में होते हैं। अब जब हमारे बॉडी में, गट में हेल्दी बैक्टीरिया की कमी हो जाती है तो हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम आता है। इसीलिए हेल्दी बैक्टीरिया हमारे गट में होना बहुत जरूरी है, इट हेल्प्स अवर डाइजेशन। और इसीलिए दही खाने से इंडाइजेशन नहीं होता, बिकॉज उसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं प्रोबायोटिक्स, जो हमारे गट को और हमारी बॉडी को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दोस्तों, दही हमारे बोन्स के हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दही में होता है कैल्शियम एंड कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बोन एंड इट्स हेल्थ। इस वीडियो में आगे जब दही के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली दही में कौन सी चीज कितनी होती है। दही हेल्प्स रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, स्टडीज में ये प्रूव किया गया है कि जो लोग नॉन फैट योगर्ट खाते हैं उनको 31% चांसेस कम है हाई ब्लड प्रेशर होने के। दही हमारे स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है, हमारे स्किन को ड्राई होने से बचाता है। और सेकेंडली, दही से हमें जो हीट के एक्ने होते हैं वो भी होने कम हो जाते हैं, क्योंकि दही हमारी बॉडी को कूल रखता है। सो ये थे सारे बेनिफिट्स दही के। दही किसको कंज्यूम करना चाहिए? वैसे तो दोस्तों, दही का एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो सभी लोग दही को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हो तो भी आप दही को कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि दही में बहुत कम लैक्टोस होते हैं, ऑलमोस्ट नील के बराबर होते हैं। सो आप एक कटोरी तो दिन का खा ही सकते हो। अब हम बात करेंगे दही के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। एक कटोरी दही में अप्रॉक्सिमेटली 200 ग्राम्स दही होते हैं। हम लोग पहले 100 ग्राम्स दही के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं। 100 ग्राम्स नॉन फैट दही में होता है 0 ग्राम्स फैट, 5 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल, 36 मिलीग्राम सोडियम, 141 मिलीग्राम पोटेशियम। कार्बोहाइड्रेट इसमें होते हैं 3.6 ग्राम्स, जिसमें से शुगर होते हैं 3.2 ग्राम्स। प्रोटीन इसमें होते हैं 5 ग्राम्स। तो दोस्तों, जब हम एक कटोरी दही खाते हैं जो होते हैं 200 ग्राम्स, तो हमें 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है और इसमें से 80% केसिन प्रोटीन होता है। कैल्शियम होता है इसमें 11%, विटामिन B12 होता है 13%। सो दोस्तों, ये थे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स अबाउट नॉन फैट योगर्ट, मतलब जिसमें फैट नहीं होता। जो हमारे घर में दही बनता है उसमें फैट होता है। मैं जनरली रिकमेंड करूंगा कि आप नॉन फैट योगर्ट खाओ, क्योंकि जो फैट वाला दही होता है उसमें 60% सैचुरेटेड फैट होता है, विच इज अनहेल्दी फैट, विच इज नॉट गुड फैट। थोड़ा बहुत सैचुरेटेड फैट इज ओके, बट इतना अगर आप डेली बेसिस पे खाओगे तो इससे अच्छा है कि आप नॉन फैट योगर्ट ही खाओ। तो
वो दो कटोरी भी दिन के खा सकते हो, विच इज अराउंड 400 ग्राम। मेरे वेजिटेरियन व्यूवर्स मुझे बार बार मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि वेज में ऑप्शंस बताइए। दोस्तों आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप 3 कटोरी भी दही खा सकते हो दिन में, लेकिन मेक श्योर कि आप नॉन फैट वाला खा रहे हो। फैट वाला 3 कटोरी डेली खाओगे तो बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो जाएगा, विच इज नॉट रिकमेंडेड। सो ये था हमारा दही का एपिसोड, आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। अब हम आपको बताते हैं हमारे बिग न्यूज के बारे में। बहुत सारे व्यूवर्स ने हमें कॉमेंट्स किए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि सर आप अपने यूट्यूब पे ग्रूमिंग सेक्शन स्टार्ट कीजिए। सो हम हमारे यूट्यूब पे ग्रूमिंग सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। बालों का ख्याल कैसे रखते हैं, स्किन का ख्याल कैसे रखते हैं, अच्छे कपड़े कैसे पहनते हैं, कौन सी एक्सेसरीज कौन से कपड़ों के साथ पहननी है, ये सारा हम हमारे यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं ग्रूमिंग सेक्शन में। ये है हमारे ग्रूमिंग सेक्शन की झलक। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी हम ग्रूमिंग सेक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं हमारी चैनल पे। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बाजू में बेल बटन है, जरूर क्लिक करना। मुझे देखने के लिए शुक्रिया। विशाल आर पंचाल।